हाय गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। यहाँ पर पेटीएम मर्चेंट की तरफ से दो न्यू ऑफर लॉन्च किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स उसकी बता दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या यहाँ पर फुल डिटेल्स है। यहाँ पर आपको मर्चेंट पॉइंट्स मिला करेंगे, ठीक है। तो फुल डिटेल्स यहाँ पर बता दूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफर्स के संग ट्रस्ट भी बिल्कुल फ्री में मिलता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स मैं आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले वहीं पर आपको अपडेट मिल जाता है, ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपका भी पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है, तो यहाँ पर आज के दिन आपको पेटीएम ने दो ऑफर्स लॉन्च करे हैं और मैक्सिमम अकाउंट्स पे ये ऑफर दिए गए हैं। बस आपको अपने ऐप को पहले अपडेट कर लेना है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को प्ले स्टोर से जाकर, उसके बाद अपने पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में जाकर देखना है कि आपको ये ऑफर्स मिले हैं कि नहीं मिले। मेरे दो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है और दोनों में ही मुझे ये ऑफर्स दिए गए हैं, तो बस आप अपने में देखिएगा, ज्यादातर सभी अकाउंट्स में ये ऑफर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो है वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करने का और दूसरा ऑफर है यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करने का। दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप वॉलेट वाला ऑफर है, यहाँ पर आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अप टू 1000 तक मर्चेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब ये मर्चेंट पॉइंट्स क्या है और हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको मर्चेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर 100, अगर आप 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस अगर आप वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं 100 रुपीज उससे ज्यादा का, तो 100 रुपीज के लिए आपको 6 मर्चेंट पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर एक 100 रुपीज एक्सेप्ट करने के लिए आपको 6 मर्चेंट पॉइंट्स मिलेंगे। और आप एक ट्रांजेक्शन से मैक्सिमम 1000 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, यानी कि अगर हम मान लीजिए 500 रुपीज का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 30 पॉइंट्स बनेंगे। अगर आप 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पर इनके ये चल रहा है। आपको दोस्तों मिनिमम 15 रुपीज का ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना होगा और यहाँ पर 20 ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे तो 20 हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको अप टू 1000 तक यहाँ पर मर्चेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये ऑफर चल रहा है और सभी ट्रांजेक्शन में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यानी जितने ज्यादा का ट्रांजेक्शन आप एक्सेप्ट करेंगे उतने ज्यादा का यहाँ पर आपको मर्चेंट पॉइंट्स मिलेंगे। अब लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पेटीएम चार्जेस लगा देता है अगर हमारी लिमिट ओवर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखनी है, आपकी कुछ ना कुछ मंथली लिमिट होती है, अगर आप उससे ज्यादा का वॉलेट से ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको चार्ज लग जाता है, या फिर किसी किसी अकाउंट में तो पहले से ही पेटीएम 1% का यहाँ पर चार्ज लगा रहा है, तो उसी हिसाब से आप ऑफर को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आपको अगर चार्ज नहीं लगता वॉलेट से तभी आप वॉलेट वाला अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों पेटीएम का दूसरा ऑफर है यूपीआई का, यानी कि अगर आप ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे अपने क्यूआर कोड पर यूपीआई के जरिए, तो उसमें भी आपको मर्चेंट पॉइंट्स मिलेंगे। सबको सेम टू सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, वही आपको 15 रुपीज मिनिमम ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना है, बस एक ही अंतर है, यहाँ पर आप वॉलेट से एक्सेप्ट कर रहे थे तो 100 रुपीज एक्सेप्ट करने का आपको 6 मर्चेंट पॉइंट्स मिल रहे थे। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने क्यूआर कोड पर, तो यहाँ पर 100 रुपीज एक्सेप्ट करने के आपको ओनली एक ही मर्चेंट पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि जहां आपको वॉलेट से 1000 रुपीज एक्सेप्ट करने के 60 पॉइंट्स मिल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर यूपीआई से अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो 1000 पॉइंट्स के लिए आपको ओनली 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो जितना ज्यादा अमाउंट आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज्यादा ही यहाँ पर आप मर्चेंट पॉइंट्स अर्न कर पाएंगे अप टू 1000 तक हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। तो दोस्तों बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अपनी मंथली लिमिट के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा अगर आप कर रहे हो, क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेंगे तो चार्ज भी यहाँ पर आपका लग सकता है या फिर आपकी लिमिट भी कंप्लीट हो सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मर्चेंट पॉइंट्स जो हमें मिले हैं उसका यूज क्या करेंगे, पहले मैं आपको ऑफर अप्लाई कर दिखा देता हूँ। मैं ऑफर एक्टिवेट करता हूँ, ऑफर एक्टिवेट करने के बाद अपने क्यूआर कोड पर बस पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरा वॉलेट से पेमेंट एक्सेप्ट होता है, मैं वॉलेट से आपको लेकर दिखा देता हूँ। मैं 500 रुपीज अपने मर्चेंट पर पे करता हूँ, मैंने 500 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया, इंस्टेंटली मुझे यानी 100 रुपीज पे 6 मर्चेंट पॉइंट है, तो 500 रुपीज एक्सेप्ट करें तो 30 मर्चेंट पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो इस टाइप से 30 पॉइंट मेरे को हो गए, अगर मैं ज्यादा रुपीज का एक्सेप्ट करता तो और ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, अप टू 1000 तक मिल सकते हैं। अब ये जो मेरे को मर्चेंट पॉइंट्स मिले 24 आवर्स के अंदर मेरी मर्चेंट पासबुक में आ जाएंगे। अब इनका पॉइंट्स का मैं क्या यूज करूंगा, तो यहाँ पर पेटीएम ने साफ साफ कह रखा है कि एक मर्चेंट पॉइंट 10 पैसे के बराबर होता है, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास 10 पॉइंट्स हो जाएंगे तो वो 1 रुपीज के बराबर होंगे, यानी कि पॉइंट्स तो काफी कम रुपए तो हमें मिल रहे हैं, यानी कि 10 पॉइंट्स जब हम अर्न करेंगे तो ओनली 1 रुपी ही हमें मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मर्चेंट क्यूआर कोड पर यूपीआई के जरिए 1000 रुपीज एक्सेप्ट करेंगे तब जाकर आपको ओनली 1 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। अब कैशबैक तो काफी कम दे रहा है पेटीएम, इससे बढ़िया तो अमेजोन है, कम से कम कैशबैक तो ज्यादा दे रहा है, भले यूजर स्पेस पे ऑफर देता हो, ये पेटीएम ओनली 1 रुपीज आपको कैशबैक मिल रहा है 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करने का यूपीआई से कर रहे हैं।
तो यहाँ पर ये है कि आपके 10 पॉइंट्स बराबर 1 रुपीस है, तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आप उनको उतने रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके सीधे अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपके 100 पॉइंट्स हो गए तो 10 रुपीस हो जाएंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो ऑफर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर 1 अप टू 1000 तक का मर्चेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये न्यू फीचर आया है पेटीएम की तरफ से, मैंने आपको फुल डिटेल्स इसकी समझा दी कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ज़रूर से आप इसको देख सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आती है एक लाइक जरूर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जिसके आपको ऐसे बड़ी वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।